तो स्टूडेंट देखिए, डू यू नो में आपको दिया है इंटर टाइडल रेंज, तो इसका मीनिंग क्या होता है? द डिफरेंस इन द वाटर लेवल ऑफ द हाई टाइड एंड द लो टाइड इज कॉल्ड टाइडल रेंज। तो देखिए, जैसे कि हाई टाइड्स जब आते हैं तब वाटर लेवल बढ़ जाता है, एंड लो टाइड जब होता है तब पानी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो डिफरेंसेस इन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड जो होता है वाटर लेवल का, उसे ही टाइडल रेंज कहा जाता है। इन ओपन सीज दिस रेंज इज अबाउट 30 सेंटीमीटर। अगर ओपन सीज में अगर हम देखेंगे तो ये रेंज होता है 30 सेंटीमीटर तक। हाउ एवर टूवर्ड्स दी कोस्टल एरियाज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो ये जो रेंज होता है इंक्रीज होता जाता है। अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द रेंज इज अराउंड 100 to 150 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। पेनिनसुलर इंडिया मीन्स इंडिया का जो साउथर्न पार्ट जो है, जहाँ पे पेनिनसुलर मीन्स जमीन का जो पार्ट होता है जिसे तीनों साइड से क्या होता है, पानी होता है। जैसे कि हमने अगर इंडिया का साउथ पार्ट देखा तो वहाँ पे उसी तरीके से दिखाई देगा कि जो इंडिया का पार्ट है उसे तीनों भी साइड से क्या है, वाटर है, मीन्स सी का पानी है, सी है, समुंदर है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रेंज कितना होता है, 100 to 150 सेंटीमीटर। द हाइएस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड इज ऑब्जर्व एट बे ऑफ फंडी अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हाइएस्ट टाइडल रेंज देखा जाता है पूरी दुनिया से, दुनिया में। हेयर द टाइडल रेंज इज अबाउट 1600 सेंटीमीटर। तो देखिए टाइडल रेंज कितना दिया है, 1600 सेंटीमीटर। इन इंडिया द हाइएस्ट टाइडल रेंज इज इन द गल्फ ऑफ खंबात, इट इज़ अबाउट 1100 सेंटीमीटर। तो इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइडल रेंज दिखता है, तो गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे दिखेगा, एंड वो कितना रेंज दिया है, 1100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, जो रेंज हमें दिया हुआ है कि किस तरीके से ओपन सीज में कम होता है एंड कोस्टल रीजन में ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है? देखिए, जो पानी का मूवमेंट होता है, जैसे कि अगर हम बीच पे भी जाते हैं तो हमें दिखाई देगा कि जो पानी की वेव्स होती है, जो लहरें होती है, वो समुद्र के बीच में हमें नहीं दिखाई देती है, वो कोस्टल रीजन में हमें दिखाई देंगी। अगर आप बीच पे खड़े हो तो जो लहरें हैं वो आपकी तरफ आ रही है, ऐसा हमें दिखाई देता है। मीन्स जो रेंज होती है वेव्स की, या फिर जो हाई टाइड लो टाइड के समय जो रेंज होती है, वो कोस्टल रीजन में ही ज़्यादा दिखाई देगी कंपेयर टू ओपन सीज की। तो इसीलिए ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो कौन सी रेंज है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ खंबात में हमें ज़्यादा रेंज दिखाई देगा, जो कि 1100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स की। जब टाइड्स आते हैं तो उनके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, उनको हम देखेंगे। विद द हाई टाइड फिश मूव इन टू द क्रीक्स एंड दिस हेल्प्स फिशिंग एक्टिविटी। कि हाई टाइड के समय पानी जो है काफ़ी कोस्टल रीजन में आ जाता है, जिसके कारण पानी के साथ साथ फिशेज भी आ जाते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए। जो फिशरमैन होते हैं वो काफ़ी ईजिली क्या कर सकते हैं, फिशेज को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है द टाइड्स क्लियर द वेस्ट एंड हेंस द कोस्ट बिकम क्लीन। अगर कोस्टल एरिया में किनारे पे कुछ भी खराब चीज़ें पड़ी हुई है, वेस्ट पड़ा हुआ है, तो पानी के साथ साथ जब लो टाइड आएगा तो पानी के साथ साथ वो भी बह जाता है पानी के अंदर। पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विद सेडिमेंट। सेडिमेंट्स मीन्स जो भी सी सैंड होती है, पानी होता है, उसके कारण क्या होता है कि पोर्ट्स भरे हुए नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं होगा। तो क्या होता है, जब लो टाइड्स आएगा तो ये पूरी तरीके से क्या जाता है, वापस चला जाता है। शिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड। ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर इन अ सॉल्ट पैंस फ्रॉम विच सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। तो सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें, जो सॉल्ट पैंस होते हैं जिनमें समुद्र का पानी क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, फिर हमें उनसे सॉल्ट मिलता है। तो हाई टाइड के कारण क्या होता है, ये सॉल्ट पैंस में पानी कलेक्ट हो पाता है, स्टोर हो पाता है। द टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो टाइडल फोर्स होता है उसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अ लैक ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स में कॉज एक्सीडेंट टू स्विमर्स एंटरिंग द सी। अगर किसी को पता नहीं है कि हाई टाइड्स लो टाइड्स क्या होता है, या फिर उनका एक्चुअल टाइमिंग क्या है, अगर हाई टाइड से मीन्स वहाँ पे पानी काफ़ी किनारे तक आ जाएगा, तो लोगों को अगर ये बात नहीं पता होती है और वो स्विमिंग करने के लिए जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि पानी कितना गहरा है या फिर कहाँ तक पानी आ चुका है, और इसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द टाइड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द मैनग्रोव एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। तो मैनग्रोव मीन्स ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो किनारे पे आते हैं, या फिर कोस्टल बायोडाइवर्सिटी मीन्स उसमें एनिमल प्लांट्स सब चीज़ें आती है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होता है टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। नेक्स्ट है टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंज डेली। कि जो टाइड्स के टाइमिंग होते हैं वो चेंज क्यों होते हैं डेली। द टाइड्स आर कंटिन्यूसली ऑकरिंग फेनोमेनन। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ये नेचुरल होने वाला फेनोमेनन है और हमेशा कंटिन्यूसली होता है। After reaching the maximum water level during high tide, the low tide sets in.
सिमिलरली आफ्टर रीचिंग द लोएस्ट वाटर लेवल ड्यूरिंग द लो टाइड द हाइस्ट टाइड सेट्स इन. तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस की है. रिमेंबर दैट इन द फॉलोइंग डिस्कशन द हाइएस्ट लिमिट ऑफ द हाई टाइड्स इन मेंशन सी फिगर 3.9. तो किस तरीके से ये टाइम चेंजेस होते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे. तो फिगर आपको दिया है 3.9. यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द टाइमिंग ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स चेंज डेली. कि हाई टाइड्स के एंड लो टाइड्स के टाइमिंग क्यों चेंज होते रहते हैं. तो देखिए हमें दिया है कि व्हाई डू द टाइड टाइमिंग चेंज डेली. ये हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. उससे पहले यहाँ पे कुछ दिया है जो हम रीड करेंगे. रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ कितना दिया है, कितना होता है वो 12 degrees 30 minutes होता है. लेकिन 1 degree का मिनट कितना होता है, 4 minutes. 1 degree मीन्स 4 minute होता है. और जो टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने के लिए वो होता है 12 degrees 30 minutes मीन्स कितना, 50 minutes. तो ये चीज़ भी आगे काम आने वाली है, इसके लिए हमने पहले रीड किया. देयर विल बी हाई टाइड एट पॉइंट पी एज इट अपोजिट टू दी मून. कि पी पॉइंट कहाँ पे है, देखिए पी पॉइंट यहाँ पे है तो मून के कहाँ पे है, एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है. तो इसीलिए जब मून यहाँ पे होगा तो हाई टाइड्स कहाँ पे होंगे, पॉइंट पी के ऊपर. एज पॉइंट एफ इज अपोजिट एट एन एंटीपोडल लोकेशन टू दी पॉइंट पी. पी के एग्जैक्टली अपोजिट कौन है, एफ है. तो एफ पॉइंट भी उस टाइम क्या होगा, हाई टाइड आएगी. एक्सपीरियंस हाई टाइड एट द सेम टाइम. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि अर्थ के जो जो भी रीजन होता है जो एग्जैक्टली अपोजिट मून आएगा वहाँ पे हाई टाइड होगा. और अर्थ का उस पॉइंट का एग्जैक्टली अपोजिट जो अर्थ का पॉइंट होगा वहाँ पर भी सेम टाइम में क्या होता है, हाई टाइड होता है. तो इस फिगर में हमें क्या दिखाई देगा कि पी पॉइंट एंड जो एफ पॉइंट है अपोजिट यहाँ पे क्या होंगे, हाई टाइड्स. इट विल टेक 24 आवर्स फॉर पॉइंट पी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन मीन्स 360 degree कम्प्लीट करने के लिए. एंड पॉइंट पी विल बी एट पॉइंट एफ आफ्टर 12 hours मीन्स 180 degree. कैसे, देखिए हमें पता है कि अर्थ को रोटेशन करने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए 24 hours लगते हैं. अगर अभी पॉइंट पी यहाँ पे है तो उसे पॉइंट एफ की जगह पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम मीन्स 24 के हाफ कितना लगेगा, यहाँ पे आने के लिए 12 hours लगेंगे. और एफ पॉइंट को पी की जगह पे आने के लिए कितने लगेंगे, 12 hours लगेंगे. तो वो हमें डिग्री में भी दिया है कि 180 degree लगेगा. द सेम चेंज, अगर पी को सिर्फ उसके पॉइंट तक ही आना है, देखिए वो भी पॉइंट समझेंगे कि अगर पी को उसके ही पोजीशन पे आना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो उसके लिए तो 24 hours लगेंगे मीन्स 360 degree कंप्लीट होगा वहाँ पे. एंड अगर पी को एफ की जगह पे आना है, इस पी को सिर्फ यहाँ तक आना है मीन्स हाफ सर्कल होगा, जिसके लिए टाइम लगता है 12 hours. द सेम चेंज विल ऑल्सो अकर विथ रेफरेंस टू द पॉइंट एफ. कि एफ को भी पी की जगह पे आने के लिए कितने टाइम लगेगा, 12 hours लगेंगे. और एफ को फिर से उसके ही जगह पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 24 hours. पॉइंट एफ विल नॉट एक्सपीरियंस द सेम हाई टाइड बिकॉज इन द मीन व्हील द मून ऑल्सो वुड हैव मूव अ लिटिल अहेड अप्रोक्सीमेटली 6 degrees 15 minutes. हेंस इट विल टेक 25 minutes मोर फॉर द पॉइंट एफ टू कम टू द पोजिशन अपोजिट टू द मून. तो देखिए इनको भी समझेंगे ये पॉइंट्स क्या दिए हैं. अभी देखिए पॉइंट पी जब यहाँ पे था तो मून यहाँ पे था, ओके. उसके बाद हमें ये पता है कि मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ. तो मून एक ही जगह पे रहेगा क्या, अगर पॉइंट पी एफ की जगह तक चला जाएगा और एफ पी की जगह पे आएगा तब तक मून क्या एक ही जगह पे रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिवॉल्व करता है. तो जब पॉइंट एफ पी तक आएगा तो उस टाइम ये मून जो है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, वो रिवॉल्व होके मीन्स आगे बढ़ के कहाँ पे जाएगा, इस यहाँ पे आए इस पोजीशन पे आ जाएगा. तो पॉइंट एफ को यहाँ पे हाई टाइड मिलेंगे क्या, हाई टाइड वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा क्या, नहीं. तो उसे एग्जैक्टली अपोजिट मून के एग्जैक्टली अपोजिट आने के लिए उसे यहाँ तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 25 minutes और लगेंगे. मीन्स पॉइंट एफ टू पी आने के लिए उसे 12 hours लगेंगे यहाँ तक आने के लिए, और मून के एग्जैक्टली अपोजिट आने के लिए उसे और 25 minutes लगेंगे, तब जाके यहाँ पे हमें हाई टाइड्स एक्सपीरियंस होंगे. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा. और मून को आगे इस पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगता है 6 degrees 15 minutes, और वो टाइमिंग में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 25 minutes लगते हैं. तो इसीलिए पॉइंट एफ को पी तक 12 hours लगेंगे, और पी से आगे जाने के लिए कि मून जहाँ तक गया है वहाँ तक जाने के लिए 25 minutes एक्स्ट्रा लगेंगे. आफ्टर 12 hours 25 minutes एफ विल अराइव अपोजिट टू द मून एंड इट विल एक्सपीरियंस हाई टाइड, जैसे हमने अभी देखा. लेटर अगेन आफ्टर 12 hours एंड 25 minutes पॉइंट पी वन विल एक्सपीरियंस हाई टाइड एज इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द मून. देयर विल बी हाई टाइड एट एफ वन टू एज शोन इन द फिगर 3.9. कि फिर से अगर हम फिगर को देखेंगे तो देखिए अभी देखिए हमने क्या देखा कि फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो पॉइंट पी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे. उसके बाद अगर एफ को
हाई टाइड्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, पी से थोड़ा सा आगे जाना होगा यहाँ तक। उसके बाद F1, अगर यहाँ पे F है तो F को फिर से P की जगह पे जाने के लिए 12 आवर्स लगेंगे। तो जो P यहाँ पे है उसे यहाँ तक आने के लिए फिर से क्या लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। और तब तक ये मून आगे बढ़ जाएगा 6 degree 15 minutes से, तो उसका पोजीशन ये होगा। तो P1 को यहाँ पे हाई टाइड्स एक्सपीरियंस होंगे क्या, नहीं, तो उसे और भी 25 minutes एक्स्ट्रा लगेंगे। और जब यहाँ तक मून के एग्जैक्टली अपोजिट ये आएगा तो ये पॉइंट हम P1 मेंशन करेंगे, तब ये P1 की जगह पे क्या होंगे, हाई टाइड एक्सपीरियंस होंगे। और एग्जैक्टली P1 के अपोजिट साइड में F1 आएगा तब वहाँ पे भी हाई टाइड्स एक्सपीरियंस होंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि टाइमिंग क्यों चेंज होता है, क्योंकि मून भी रिवॉल्व करता है तो मून की पोजीशन जैसे चेंज होगी, और चेंज होने के लिए उसे 25 मिनट्स लगते हैं, इसके लिए ऐड होते हैं 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, देर इज़ हाई टाइड एंड लो टाइड ट्वाइस अ डे मीन्स 20 आवर्स जनरली। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू हाई टाइड्स इज ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। क्यों डिफरेंसेस होते हैं 12 आवर्स एंड 25 मिनट का, वो भी हमने देखा डायग्राम को समझ के। टेक अ वाइड ओपन लार्ज डिश, एक्टिविटी दी है आपको, कीप द डिश ऑन अ टेबल और ए फ्लैट सरफेस, फिल वाटर इन द डिश अप टू द रिम। आपको एक क्या करना है, बड़ा सा डिश लेना है, उसको पानी से फिल करना है और उसे टेबल के ऊपर रखना है। वी हैव टू जनरेट वेव्स इन द डिश, इज इट पॉसिबल टू जनरेट वेव्स विदाउट टचिंग और शोविंग द डिश, ट्राई डूइंग सो। कि आपको बिना हाथ लगाए हुए कैसे वेव्स को आप फॉर्म कर सकते हैं उस पानी के अंदर। इन व्हाट डिफरेंट वेज कैन यू जनरेट वेव्स इन द डिश, कौन कौन से तरीकों से आप वेव्स जनरेट कर सकते हो, तो एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप घर पे कर सकते हो, घर पे ट्राई करके देखिए। वेव्स, तो वेव्स क्या होती है, इफ़ यू ब्लो एयर ओवर अ हॉट मिल्क और टी वाइल ड्रिंकिंग, रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द मिल्क और द टी। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हम सब लोग करते हैं, कि जब हम गर्म मिल्क होता है, टी होता है, तो उसे ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं उसके ऊपर। तो अगर हम उस टाइम देखेंगे तो क्या होती है वहाँ पे, रिपल्स मीन्स जैसे कि समुद्र में लहरें या फिर वेव्स हमें दिखाई देती है, उसी तरीके से रिपल्स फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देंगी। इन द सेम वे बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड वाटर अपीयर्स टू बी मूविंग। तो इसी तरीके से समुद्र में भी क्या होता है, हवा के फोर्स के कारण, विंड के फोर्स के कारण जो है पानी जो है मूव होता है आगे पीछे या फिर इधर उधर, उसके कारण वेव्स फॉर्म होती है। द सी वाटर गेट्स पुश बाय द विंड एंड रिपल्स आर जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस। तो देखिए समुद्र में भी क्या होता है कि जो पानी के फोर्स के, हवा के फोर्स के कारण जो है रिपल्स फॉर्म होती है सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर, दीज आर कॉल्ड वेव्स। तो जो रिपल्स फॉर्म होते हैं हवा के कारण, हवा के फोर्स के कारण समुद्र के पानी के ऊपर, तो उसे वेव्स कहा जाता है। द सी वाटर मूव्स अप एंड डाउन और स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यू टू द वेव्स। तो इन वेव्स के कारण या पानी जो मूव होता है हवा के फोर्स के कारण, पानी मूव होता है अप एंड डाउन या फिर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, तो इसके कारण हमें ये वेव्स दिखाई देती है। द वेव्स ब्रिंग द एनर्जी कंटेंट इन देम टू द कोस्ट। तो वेव्स जब आती है तो उनके साथ साथ जो है एनर्जी भी आ जाती, मीन्स पानी के अंदर भी क्या होती है, एनर्जी होती है। और ये वेव्स कहाँ पे आती है, तो अंदर के साइड से बाहर, मीन्स कोस्ट के रीजन किनारे के ऊपर आते हैं। दे ब्रेक इन द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। तो जहाँ पे पानी कम होता है या फिर किनारे की जो जमीन होती है वहाँ तक क्या होती है, ब्रेक होते हैं। लार्ज और स्मॉल वेव्स आर फॉर्म कंटिन्यूअसली एट द सर्फेस ऑफ द सी। तो अगर आप कभी बीच पे गए हो तो आपको भी पता है कि कंटिन्यूअसली क्या है, छोटी मोटी वेव्स आती रहती है। जनरेशन ऑफ वेव्स इन अ नेचुरल फेनोमेनन, अगेन ये भी नेचुरल फेनोमेनन है कि जनरली वो हमें दिखाई देता है और रेगुलरली दिखाई देता है। अगर हम बीच पे जाएंगे तो हमें भी समझ में आता है कि पानी के अंदर आपको वेव्स नहीं दिखाई देंगी अंदर के साइड में, लेकिन किनारे की तरफ आपको ये वेव्स दिखाई देंगी, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फिगर 3.10, वेव्स कमिंग टू द कोस्ट, कि किनारे की तरफ वेव्स आती है। स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स, तो ये वेव्स जो आती है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। द सी वाटर गेट पुश अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द विंड, द रेज अप पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द डिप्रेस वन इज कॉल्ड ट्रॉप। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि क्रेस्ट क्या है एंड ट्रॉप क्या है। देखिए इस तरीके से वेव्स होती है, तो वेव्स का जो ऊपर का पोर्शन है उसे क्रेस्ट कहा जाता है और जो नीचे का पार्ट होता है उसे ट्रॉप कहा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग इन वन डायरेक्शन लार्ज वेव्स आर जनरेटेड। अगर स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स काफ़ी तेज हवाएं, देखिए जब तूफान आता है तो उस टाइम जो है कहा जाता है, देखिए आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि तूफान आने वाला है या फिर साइक्लोन जब आता है तो उस टाइम वेव्स काफ़ी बड़ी होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड के कारण हवा का फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके कारण जो है वेव्स काफ़ी बड़ी बन जाती है।
द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड द फॉलोइंग थ्रॉप इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो एम्पलीट्यूड कौन सा आएगा, देखिए क्रेस्ट जो है ये, और यहाँ पे दिया है थ्रॉप, तो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट है वर्टिकल जो थ्रॉप जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और थ्रॉप इज कॉल्ड वेवलेंथ. वेवलेंथ कहाँ पे होगा कि अगर ये दोनों क्रेस्ट है तो इनके बीच में जो जगह है जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहा जाएगा. और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो थ्रॉप है दोनों भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा वेवलेंथ. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. द वेव लेंथ इज एम्पलीट्यूड एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ विंड. तो जो ये वेवलेंथ है एम्पलीट्यूड है उनकी जो वेलोसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड. क्योंकि जितनी तेज हवा उतना बड़ा क्या बनेगा, उतनी बड़ी ही वेव्स बनेंगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी. तो इसके कारण ये कहा गया है कि वेवलेंथ हो या फिर एम्पलीट्यूड जो होता है या फिर वेलोसिटी जो होती है वेव्स की या फिर वेव्स का जो स्पीड होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड, कि जितना तेज जितनी तेज हवा होगी उतनी बड़ी वेव्स बनेंगी, अगर कम हवा है तो वहाँ पे छोटी सी वेव्स बनेंगी. वेलोसिटी ऑफ वेव्स, इफ़ वी स्टैंड एट द कोस्ट वी फील द वेव्स आर कमिंग टूवर्ड द कोस्ट. अगर हम किनारे के ऊपर खड़े रहते हैं तो हमें ऐसे लगता है, ऐसे फील होता है कि वेव्स हमारी तरफ आ रही है, मीन्स कोस्ट की तरफ आ रही है, किनारे की तरफ आ रही है. इफ़ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ डिस्टेंस इन द सी वी फाइंड द ऑब्जेक्ट मूविंग अप एंड डाउन एट द सेम प्लेस. अगर कोई फ्लोट करने वाली तैरने वाली कोई चीज़ अगर प्लास्टिक की अगर आप डालोगे या फिर कोई भी चीज़ ऐसी फ्लोट करने वाली अगर समुद्र के पानी पर आप डालते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ जगह पे ही आगे पीछे इधर उधर घूम रहा है, वो डायरेक्टली वेव्स के साथ नहीं आता है. इट डज नॉट कम टू द कोस्ट, वो कोस्ट की तरफ नहीं आएगा. इट मीन्स द वाटर फॉर्मिंग द वेव ऑल्सो डज नॉट कम टू द कोस्ट. तो इसके कारण हमें ये समझ में आएगा कि जो वेव्स हमें दिखाई देती है किनारे की तरफ आने वाली, तो एक्चुअल में वेव्स अंदर की तरफ से बाहर की तरफ नहीं आती है. सिर्फ पानी जो है मूव होता है, कम इधर उधर होता है या फिर अप एंड डाउन होता है, तो इसके कारण सिर्फ है जो पानी का मूवमेंट है वो हमें दिखाई देता है. रिमेंबर दैट द वाटर इन द वेव डज नॉट मूव. जो वेव्स में हमें पानी दिखाई देता है वो एक्चुअल में मूव होके नहीं आता है, मीन्स समुद्र के अंदर से वो बाहर की तरफ बह के नहीं आता है, सिर्फ उसका मूवमेंट हमें दिखाई देता है. वॉट मूव इज द एनर्जी. तो जो भी हमें मूव होता हुआ दिखाई देता है वो सिर्फ क्या होती है, एनर्जी होती है. द मेन रीजन ऑफ वेव जनरेशन इज विंड, बट एट टाइम्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस ऑकरिंग बिलो द फ्लोर ऑफ द सी वेव्स गेट जनरेटेड. कि जैसे हमने देखा वेव्स किस कारण होते हैं, कि विंड के कारण, विंड के फोर्स के कारण होते हैं, लेकिन और भी कुछ रीज़न है, जैसे कि अर्थक्वेक होता है उसके कारण हो सकता है, और वोल्केनिक इरप्शन जो होता है कि सी फ्लोर के नीचे अगर अर्थक्वेक आता है या फिर वोल्केनिक इरप्शन आता है तो उसके कारण भी वेव्स जनरेट होती है, और काफ़ी हाइट उसकी जो होती है वेव्स की काफ़ी बड़ी होती है. सर्च वेव्स एज्यूम अ ग्रेट हाइट इन द शैलो वाटर्स नियर द कोस्ट. तो वाटर कोस्ट जो होता है नियर द कोस्ट जो पानी रहेगा वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेव्स की जो हाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है. दीज वेव्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है जिसके कारण किनारे पे जो लोग रहते हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है. दे कॉज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, जिसके कारण लोगों की जान भी जा सकती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है. दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज. तो इसे ही सुनामीज कहा जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा या फिर न्यूज़ में देखा होगा. इन 2004 सुनामी वेव्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक दैट टूक प्लेस नियर सुमात्रा आयरलैंड ऑफ इंडोनेशिया. तो इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पे 2004 में सुनामी आई थी, जिसके कारण जो सुनामी आई थी वो किसके कारण जनरेट हुई थी, अर्थक्वेक के कारण, और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोगों का नुकसान हुआ था. दे डिवास्टेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका का भी नुकसान हुआ था और इंडिया का भी नुकसान हुआ था. द वेव्स कॉज इरोजन अलॉन्ग दी हेडलैंड्स एंड क्रिएट बीचेस इन द प्रोटेक्टेड लोकेशन इन दी बेस. तो इसके कारण क्या होता है, इरोजन भी होता है, मीन्स जो ज़मीन होती है ज़मीन का पार्ट जो है पानी के अंदर बह जाता है, तो इसके कारण ज़मीन का इरोजन भी होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर में, इफ अर्थक्वेक ऑकर्स इन द ओशन द कोस्टल एरियाज फेस अ रिस्क ऑफ सुनामी. अगर अर्थक्वेक होते हैं सीज के अंदर, ओशन के अंदर, तो उसके कारण जो है रिस्क होती है सुनामीज की. इन सच केसेस इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम द कोस्ट और टूअर्ड हायर अल्टीट्यूड्स. अगर जहाँ पे सुनामी आती है या फिर वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कोस्टल रीजन से काफ़ी दूर जाना चाहिए, और जहाँ पे
हाइट होगी ऐसे ज़मीन के ऊपर या फिर जहाँ पे हिल्स होती है वहाँ पे जाना चाहिए। दिस वे लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड, तो इसके कारण हम हमारी जान बचा सकते हैं। डू यू नो में देखेंगे, वाइल मूविंग अलोंग द सी कोस्ट और प्लेइंग इन द वॉटर वी मस्ट टेक एडिक्वेट केयर रिगार्डिंग द टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स, अदरवाइज इट कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। अगर हम पानी के असी के यहाँ पे जा रहे हैं, बीचेस पे अगर जा रहे हैं, तो अगर हमें अगर स्विमिंग भी करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स का टाइमिंग क्या है, जिसके कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। फॉर दैट वी मस्ट नो द टाइमिंग ऑफ द टाइड्स, फॉर दिस यू मस्ट नो द फेज ऑफ द मून ऑन द गिवन डे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिन फेजेस ऑफ द मून जो होती है उसको भी देख सकते हैं। थ्री फोर्थ ऑफ द फेज ऑफ द मून इज द टाइम ऑफ द हाई टाइड, की जो थ्री फोर्थ फेज होती है मून की उस समय हाई टाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर द कोस्ट ऑन द फोर्थ फेज ऑफ द मून, देन थ्री फोर्थ ऑफ द फेज इज थ्री, इट मीन्स द हाई टाइड विल ऑकर एट 3 AM एंड 3 PM एंड अप्रोक्सीमेटली 6 hours फ्रॉम इट, दैट इज 9 AM एंड 9 PM विल बी द लो टाइड। तो इस तरीके से हमें टाइमिंग समझ में आ जाता है। देर में भी स्लाइट डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन, और लोकल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस हमें दिखाई देंगे। वी मस्ट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल प्लेस एंड लर्न फ्रॉम देयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोस्ट, इट्स स्लोप, रॉकी एरियाज एज वेल एज द स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट बिफोर एंटरिंग द सी वाटर फॉर एंजॉयमेंट। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम पहले ही पता कर सकते हैं। टेल द टाइमिंग्स ऑफ द टाइड ऑकरिंग ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर डेज ऑफ द मंथ, तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि आप बता सकते हो कि किस तरीके से जो टाइमिंग है टाइड्स के वो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली पता कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है बीच का।